देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू 01 माइनस 12 एंड बी इज इक्वल टू 1 माइनस 121, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी. सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी. एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, ए की वैल्यू हम रख दे रहे हैं 01 माइनस 12 प्लस B की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 2 1. एक्स इज इक्वल टू, अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 प्लस 3 एंड -3 -6 प्लस 1 माइनस 1 2 1. एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 5 -4 -5, जो कि हमारा आंसर है. इसी तरीके से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस 3b. x इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह हम रखेंगे 0 1 माइनस 1 2 प्लस 3 इंटू बी की जगह पर हम रखेंगे 1 माइनस 1 2 1. सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 2 माइनस 2 4 प्लस 3 माइनस 3 6 3. सबको ऐड कर लेंगे एलिमेंट्स को. सो ये आ जाएगा हमारा 3 4 माइनस 1 7, जो कि हमारा आंसर.